योगी की यह घोषणा ने विपक्ष के तमाम नेताओं का मुंह कर दिया बंद। अब यूपी में सभी को मिलेगा अपना आशियाना। योगी ने तैयार कर दी अपनी पूरी टीम। अब होगा बाहुबली वर्चस्व खत्म और गरीबों को मिलेगा सरकार से अपनापन। अगर आप मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं तो ये खबर बिल्कुल आपके लिए ही है, क्योंकि आपको एक बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है जिसमें आपको योगी सरकार आपके सपनों का आशियाना देगी। इस खबर से विपक्ष के कई नेताओं में हड़कंप मचा हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस योजना के द्वारा यूपी के अधिकतर गरीब परिवारों को अपना सर छिपाने के लिए मुकम्मल छत मिल जाएगी और योगी गरीबों के हमदर्द बन जाएंगे। तो ऐसे में विपक्ष के तमाम नेताओं को तीखी मिर्च लगना लाजमी है। दरअसल सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने बड़े शहरों में गरीबों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के 11 शहरों में यूपी सरकार अतिशीघ्र आवासीय योजना लाने जा रही है। इस स्कीम के द्वारा गरीब और निम्न मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए 20% अनिवार्य रूप से घर बनाए जाएंगे। उसके अलावा सरकार अर्बन सीलिंग में फंसी जमीनों का विकास प्राधिकरण को वितरण करने का काम कर रही है, ताकि कम बजट वालों को भी आशियाना मिल पाए। अब जहां जहां से योगी सरकार फंसी जमीन निकालकर वापस ला रही है, उनमें लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़, गोरखपुर, आगरा, मेरठ, सहारनपुर और प्रयागराज शामिल है, जहां से जल्द ही अर्बन सीलिंग में फंसी करीब 11,037.26 हेक्टेयर जमीन को सरकार वापस अपने कब्जे में लेगी जो अर्बन सीलिंग की है। इनमें से कई जमीनें ऐसी हैं जिन पर अवैध तरीके से दबंगों के द्वारा कब्जा हो रखा है या फिर कई जमीनों पर कोर्ट में केस चल रहा है। ऐसे में जल्द से जल्द इन जमीनों को खाली कराने की बात कही जा रही है, ताकि यहां पर आवासीय मकान बनाकर जरूरतमंदों को दिए जा सके। और योगी सरकार अपनी इसी योजना के लिए एक कमेटी भी तैयार कर रही है, जिसमें 7 सदस्य हैं जो जमीनों को खाली कराने का काम करेगी, ताकि शहरों में गरीबों और मध्यम वर्गीय लोगों को भी घर मिल सके। अपर मुख्य सचिव आवास नितिन रमेश गोकर्ण की अध्यक्षता में हुई बैठक में इन जमीनों की वापसी के लिए कोर्ट में मजबूती से पैरवी करने पर सहमति बनी है। इसके लिए एक 7 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, जिसमें विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष या सचिव, नगर भूमि सीमा रोपल अधिकारी इसके सदस्य होंगे और डीएम खुद इसकी अध्यक्षता करेंगे। अब ऐसे में ये भी समझ लीजिए कि ये अर्बन सीलिंग क्या है। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा लागू नगर भूमि अधिनियम 1976 से उत्तर प्रदेश में भी लागू है। इसके मुताबिक बड़े शहरों में अधिनियम के प्रावधानों के अधीन निर्धारित सीमा से अधिक खाली भूमि धारकों से लेकर उसे गरीबों को आवास के लिए उपलब्ध कराना, बड़े शहरों में शहरी आवासीय समस्या का समाधान करना और शासकीय काम के लिए भूमि की जरूरत को पूरा करना, ये नियम यूपी के 11 शहरों में अभी फिलहाल लागू है और इस योजना को आगे ले जाने की तैयारी भी जोरों पर है। खैर, योगी की इस योजना के बाद यूपी को विकास के पंख लगेंगे और गरीबों को सर छुपाने के लिए छत मिल जाएगी। तो वहीं योगी की इस योजना के द्वारा विपक्ष के तमाम नेताओं का गरीबों से वोट बैंक वाला प्लान फ्लॉप हो जाएगा और बीजेपी के खाते में नए वोट लिस्ट जुड़ जाएगी। इस योजना के एक नहीं कई मायने हैं। इसमें एक मायना ये भी है कि जिन लोगों से जमीन खाली करवाई जाएगी, उनके मन में सरकार के प्रति आक्रोश आना लाजमी है। खैर, कुछ भी हो, लेकिन सरकार की ये योजना गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को लाभ देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पीडीएन न्यूज़।